कि आप निकिता और आया है। जी बोलिए। पोस्ट ऑफिस से आपका चिट्ठी आया है। फौज में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं जल्दी से भैया के पास जाती हूँ और भैया को खुशखबरी देती हूँ। भैया और मेरा सपना जो पूरा होने वाला है। ऊपर वाले, कब मेरा बहन का सपना पूरा होगा? कब मेरी बहन देश की रक्षक बनेगी? भैया, 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 आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसा खुशखबरी? गेस्ट करिए आप, कैसा खुशखबरी हो सकता है? अरे पगली, बता ना क्या है। भैया, आपका और मेरा सपना आज जाके पूरा हुआ। फौज में मेरा सिलेक्शन हो गया। ये रहा चिट्ठी। मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा के आते हैं। ठीक है भैया। भैया, दो दिन बाद तो राखी है। मैंने तो आपको गिफ्ट दे दिया, लेकिन आप क्या गिफ्ट देंगे मुझे? अरे पगली, तू जो मांगेगी वो दूंगा। चल। भैया, ये क्या भैया, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? आपको राखी भी तो बांधना है ना। और भैया, मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रहा है। प्लीज आप जल्दी से रेडी हो जाइए ना। अरे पगली, मुझे रेडी होने में क्या दिखा रहा है? मैं तो ऐसे हीरे दिखता हूँ। चलो जल्दी से आ और राखी बांध दे, उसके हम लोग चलते कहीं बांध जाए खाना खा के आते। भैया, आपको राखी बांध दिए, अब मेरा गिफ्ट क्या है? गिफ्ट दीजिए। मेरे लड्डू तो खिला। जी भैया। किसका कॉल है? वो भैया हेडक्वार्टर से कॉल है। अच्छा ठीक है, पहले बात कर लो। हेलो, जी सर। जी जी, ओके सर, जय हिंद। क्या हुआ? भैया, मुझे अभी कभी निकलना होगा, मेरा बॉर्डर पे पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, जा। तारों का सबका कहना है, एक हजारों। ठीक है भैया, मैं अब चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। देख पगली, ऐसे रोया मत कर, तू मेरी सेननी है। सेननी, आज मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मेरी बहन देश की रक्षक बन चुकी है। अब जा और देश की सेवा कर। जय हिंद मैम। जय हिंद। So
हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का निक्की इस बार राखी में घर जाके ना बहुत मजे करूंगी। तुम्हारा क्या प्लान है? देखती हूँ छुट्टी मिलता है कि नहीं। अरे तू क्यों हंस रही है? तू तो छुट्टी में घर नहीं जाएगी ना, तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? क्या हुआ दीपा, तुम उदास क्यों हो? हम लोगों ने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं यार, तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन घर पे भाई हो तभी हमें राखी का छुट्टी मिले, ऐसा बात तो नहीं है ना? घर पे मेरी माँ है और उनके मेरे अलावा कोई नहीं है। उनकी आंखें तरस गए होंगे अपने लाडली को देखने के लिए। अरे छोड़ो ये सब बातें, और तुम बोलो तुम्हारा क्या प्लान है इस बार? अरे तुम्हें तो पता ही है मेरे घर में से मेरा भैया ही है, पर भैया का भी मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो सोच रही हूँ राखी में इस बार बिना बताए घर पे जाके भैया को सरप्राइज दूंगी, क्योंकि मैंने भैया से वादा भी किया था कि पक्का मैं इस बार राखी में घर आऊंगी। दोस्तों हमारी छुट्टी मंजूर कर ली गई है। क्या? आज तो राखी है और मेरी बहन आएगी, पता नहीं कहाँ जो है और कब जो आएगी। अब तो सवर ही नहीं हो रहा है, पूरे एक साल बाद मिलूंगा उससे। लगता है मेरा बहन आ गई। अरे आप लोग, मेरा बहन कहाँ है? बताओ ना मेरा बहन कहाँ है, उसको जल्दी से बुलाओ ना, मेरा आंखें तरस गया उसको देखने के लिए। कहाँ है? भैया आपकी बहन आ रही है, वो रास्ते में है, वो हमें थोड़ा जल्दी भेज दिया। और भैया हम दोनों भी तो आपके बहन जैसे है ना, तो आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? हाँ आओ ना, सुनो मेरी बहन जैसी नहीं, सुनो मेरी बहन ही हो, आओ। क्या बात है, मेरा बहन अभी तक आया नहीं, कहीं तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी बहन जंग के मैदान में शहीद हो गया है। लिखी मेजर साहब का कॉल। हेलो जी सर, जी ओके सर, ओके, जय हिंद। दोस्तों हमारी छुट्टी रद्द की गई है,
हमारे लास्ट सीमा में कुछ आतंकवादी घुस गए, तो हमें जल्दी ही जाना होगा। क्या तुम लोग रेडी हो? यस। तो चलो फास्ट क्विकली। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। अफसोस नहीं तो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। भैया ये चिट्ठी मैंने बहुत प्यार से आपके लिए लिखा था भैया। दोस्तों ये राखी मैं अपने भैया के पास नहीं जा पाऊंगी, लेकिन तुम लोग मुझसे वादा करो ये चिट्ठी मेरे भैया के पास पहुंचाओगी और बहन की कमी तुम लोग पूरा करोगे, वादा करो। जय हिंद दोस्तों। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। और शहीद होते टाइम ये चिट्ठी रखे गया था आपके लिए। तुझे तो पता था ना कि तेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, लेकिन तू भी छोड़ के चली गई। मैं हर साल तेरे लिए वेट करता था कि तू कब आके मुझे राखी बांधेगी, लेकिन अब मैं किसका इंतजार करूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे दो और बहन मिला जो अपने देश की रक्षक है। आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ जो मेरी बहन देश के लिए शहीद हुई है। जय हिंद जय हिंद।